11 नगर निगमों में 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। एक नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने भी परचम लहराया। इंदौर नगर निगम में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव को 1,33,992 वोट से सबसे बड़ी जीत मिली है। भोपाल में बीजेपी की मालती राय 98,845 वोटों से जीत गयी। ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार 28,805 वोट से जीत हासिल की। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह ने बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार को 44,339 वोटों से शिकस्त दी है। तो वहीं सिंगरौली में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यहां आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल 9,354 वोटों से जीती हैं। उज्जैन में कांग्रेस के महेश परमार बीजेपी के मुकेश टिटवाल से सिर्फ 736 वोट से हार गए, जबकि बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को महज 542 वोटों से हराया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कैंडिडेट विक्रम आहाके जीते हैं। देश में आम जनता पर फिर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होंगी। जीएसटी की दरें बढ़ने से आटा, चावल, दही, लस्सी समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है और आज से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगेगा। अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्टीमर्स और केक सर्विस पर भी सरकार जीएसटी वसूलेगी। इन सब पर 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12 से बढ़कर 18% कर दी गई है। हॉस्पिटल में ₹5,000 प्रतिदिन या उससे अधिक के रूम पर अब 5% की दर से जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू होगी।